हेलो गाइस, मैं के जेड। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एन आई टी एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे एम एस डॉस के कुछ टॉपिक के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बुलेट के बारे में पढ़ा था, नंबर्स एंड मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में हमने देख लिया था। तो आज हम टैक्स अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास अलाइनमेंट लेफ्ट है, फिर अलाइनमेंट सेंटर है, फिर अलाइनमेंट आपका राइट है, देन आपका जस्टिफाई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको डमी टेक्स्ट उठाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और एम एस वर्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। एक्चुअल में जो अलाइनमेंट होता है उसको हम टैक्स को एडजस्टमेंट करने के लिए हम इन अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब बोलने का मतलब है कि आपको आपका जो एक पेज है, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो आपका एक जो पेज है उसमें आपको कितना मार्जिन देना है टैक्स के लिए, उसी के लिए हम इस अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, जिसे हम टैक्स अलाइनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है, राइट से कितना मार्जिन देना है, या फिर मतलब लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ के चलना है, या फिर राइट से कितना मार्जिन छोड़ के चलना है, बस इनका यही काम होता है। ठीक है, ये जो आपके जो फीचर्स हैं वो होम टैब के आपके पैराग्राफ ब्लॉक्स या फिर पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। आप कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी, या फिर आप सीधे माउस को कर्सर कर ले। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। सिंपली आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, देन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, अलाइनमेंट लेफ्ट। मतलब इसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल एल। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट की भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद करिए, उसके बाद आपको इजी पढ़ने लगेगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अलाइनमेंट योर कंटेंट विथ द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देख लीजिए लेफ्ट से आपके पास एक जो मार्जिन है उसने इक्वल मार्जिन छोड़ा हुआ है, देखिए लेफ्ट से। ठीक है, यहाँ से आपका जो पेज ओपन हो रहा है, यहाँ से आपको लेफ्ट का जो मार्जिन है, लेफ्ट की तरफ मार्जिन है वो आपका इक्वल है, ये देख लीजिए, लेकिन राइट के साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो है वो पेज से जितना भी इसका मार्जिन सेट होगा बाय डिफॉल्ट, इस एम एस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज जो सेट है वो वहाँ से इक्वल मार्जिन छोड़ रहा है ईच लाइन के लिए। देख सकते हो यहाँ पर जो सेड वाला लाइन है, फिर उसके बाद जो अजीब सा नाम है, यहाँ से उसके बाद ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ मार्जिन छोड़ा हुआ है, किससे, लेफ्ट से। ठीक है, इक्वल मतलब सम, इवन। ठीक है, इवन नंबर मार्जिन छोड़ रहा है लेफ्ट से। ठीक है, मतलब, और लेकिन राइट में इवन नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, देन हम जब नेक्स्ट पॉइंट की बात है, सेंटर, जैसे सेंटर पे हम क्लिक करेंगे, सेंटर वाले ऑप्शन में इसका जो कंट्रोल, आप इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ई है। ठीक है, क्या है इसमें लिखा, क्या हुआ है, सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज। ठीक है, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका कंटेंट है उसको क्या कर देगा, वो सेंटर में रख देगा। मतलब सेंटर, जो भी इस पेज का सेंटर होगा वो उसे वहाँ पर रख देगा। जैसे हम क्लिक करते हैं सेंटर पर, तो ये देखिए ये सेंटर पर आपका जो कंटेंट है, आपका जो भी टेक्सुअल कंटेंट है वो आपका किस में सेट हो गया, सेंटर में सेट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर देख सकते हैं अलाइनमेंट राइट, अलाइनमेंट राइट में क्या होगा आपका, अलाइनमेंट कंटेंट विद द राइट मार्जिन। ठीक है, राइट मार्जिन है यहाँ पर, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से राइट साइड से आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड से आपका लेफ्ट छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए राइट साइड से आपका क्या, राइट साइड से आपका क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, इक्वल मार्जिन छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से जो भी राइट साइड से जो भी इक्वल इसका मार्जिन होगा उसे इवनली छोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो क्या लिखा हुआ है, द अलाइनमेंट कंटेन विद द राइट मार्जिन। ठीक है, मतलब जो भी मार्जिन दिया होगा, ठीक है, वो मार्जिन राइट साइड से आपके टेक्स्ट में अप्लाई हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ से इक्वल हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपका कोई मार्जिन नहीं, क्योंकि आपको राइट मार्जिन आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट यूज़ किया है, तो राइट से आपका क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ होगा। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ लाइंस होगा, देखिए यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है। अब जस्ट आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करके, आप जैसे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, अब इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड योर टैक्स इवनली बिटवीन द मार्जिन। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो टैक्स है, आपका जो कंटेंट है वो इक्वल होगा
बोथ साइड से, इवन से भी, आपका लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। जस्टिफाई मतलब उसका बोलने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ से भी बराबर मार्जिन देगा, लेफ्ट साइड से भी आपका इक्वल मार्जिन देगा और राइट साइड से भी इक्वल मार्जिन देगा, मतलब देख सकते हो दोनों टैक्स के लिए। ये देखिए बराबर मार्जिन, यहाँ से भी सेम मार्जिन, यहाँ से भी सेम मार्जिन है, लेफ्ट साइड से भी आपको इक्वल मार्जिन मिल रहा है, राइट साइड से भी इक्वल मार्जिन मिल रहा है। तो बस इसमें आप टैक्स का पूरा काम कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह हुई तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वो भी आपका कंटेंट है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.